कहते हैं जब दिन खराब होते हैं ना तो हाथी पर क्यों ना बैठा हो, कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ है 5500 किलोमीटर दूर बसा नॉर्वे टूट पड़ा पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को बता रहा है सबसे खतरनाक। नॉर्वे के लिए कैसे खतरा बन गया है कंगाल पाकिस्तान, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के दोस्त को क्या दिया गया है जहर। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति बंद कमरे में कर रहे थे बात, तो फिर जहर किसने दिया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बेलारूस के राष्ट्रपति को क्या जहर दिया गया है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, और इस गहरी दोस्ती में ही आप देखेंगे बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है रूस। वैसे तो लुकाशेंको को एक तानाशाह माना जाता है, लेकिन लुकाशेंको और पुतिन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। हाल ही में लुकाशेंको ने एक बयान दिया था और कहा था रूस यूक्रेन की लड़ाई को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ सालों तक चलने वाली लड़ाई है तो भूल जाइए, अब ये जो लड़ाई है ये दशकों तक चलेगी। वैसे आपको बता दें हाल ही में लुकाशेंको गायब हो गए थे। लुकाशेंको एक परेड में दिखाई नहीं दिए थे। जब लुकाशेंको नहीं दिखाई दिए तो अफवाहें चलने लगी, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में रूस में विक्ट्री डे परेड हो रहा था। विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति पुतिन का सच्चा दोस्त ना आए वैसा माना नहीं जाता है। वैसे देख सकते हैं आप कुछ टाइटेनिक जैसा पोज देते हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं, ऐसी वाली दोस्ती है दोनों के बीच में। लेकिन जब मॉस्को में विजय दिवस का परेड हो रहा था तो बेलारूस के राष्ट्रपति अचानक से रूस से चले गए थे। व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि लुकाशेंको काफी थके हुए लग रहे हैं, उनके दाहिने हाथ में बैंडेज लगा हुआ है। हालांकि बाद में लुकाशेंको कैमरा के सामने आए, उन्होंने अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा, मैं मरने वाला नहीं हूँ दोस्तों, आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक मेरे साथ संघर्ष करना होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लुकाशेंको ने मई की शुरुआत में एक मीटिंग के दौरान ये भी कहा था कि अरे कुछ नहीं हुआ है, एक सामान्य कोल्ड वायरस लग गया है, अगर कोई सोचता है कि मैं मरने जा रहा हूँ तो शांत हो जाओ क्योंकि 3 दिन में मैं ठीक होकर सामने आ जाऊंगा, ये लुकाशेंको ने कहा था। अब लुकाशेंको और पुतिन के बीच एक मीटिंग चल रही थी और ये मीटिंग एक बंद कमरे में चल रही थी। अचानक से 68 साल के लुकाशेंको की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और लुकाशेंको को तुरंत से रूस के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती कराया जा रहा है और जहां इनका इलाज चल रहा है। अब आप सोचेंगे बेलारूस के अधिकारी बोल रहे होंगे कि आप इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, तो कहा तो यही जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लुकाशेंको की स्थिति वैसी नहीं है कि उन्हें ट्रांसफर किया जा सके। बेलारूस के राष्ट्रपति का इलाज करने के लिए कथित तौर पर कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और उनके खून को बदला जा रहा है। लुकाशेंको की स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है कि उन्हें कहीं ट्रांसफर किया जाए। वैसे आपको बता दें ये सारे दावे कौन कर रहा है, बेलारूस के विपक्षी नेता वालेरी का कहना है लुकाशेंको के साथ कुछ हुआ है, उन्हें या तो जहर दिया गया है, और रूस के ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि उन्हें जहर दिया गया है इसीलिए अस्पताल में ऑर्केस्ट्रा किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है। अब बेलारूस के तरफ से रूस के ऊपर ही आरोप लगने लगे हैं, जबकि लुकाशेंको एक ऐसे साथी माने जाते हैं पुतिन के जिन्होंने युद्ध में हर तरीके से साथ दिया है। ऐसे में अब क्या सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। वैसे ये अफवाहें कई बार उड़ती रही हैं कि रूस अपने प्रतिद्वंदियों को हटाने के लिए इस्तेमाल करता है जहर का, पर इस केस में ऐसा रूस के अंदर होना थोड़ा मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि आप देखेंगे लुकाशेंको ने कई देशों को जो कि रूस के पहले साथी थे यानी सोवियत संघ वाले देशों को ये ऑफर दिया था कि हम आपको न्यूक्लियर हथियार देंगे अगर आप वापस से रूस को ज्वाइन कर लोगे। तो इनकी सारी बातें कहते हैं रूस के फेवर में है, पुतिन के फेवर में है, तो पुतिन क्यों चाहेंगे कि इन्हें जहर दिया जाए। खैर इस मामले में सच्चाई निकल कर
तो आएगी ही जल्दी। पर वहीं दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान, कंगाल और डूबता हुआ पाकिस्तान नॉर्वे के लिए खतरनाक बन गया है। लेकिन नॉर्वे ने पहचानने में बड़ी जल्दी कर दी है। नॉर्वे 5500 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, और आपको बता दें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं नॉर्वे और यूरोप के कई देशों में। नॉर्वे और यूरोप में कई देशों में ये नौकरियां भी करते हैं, कई प्रयोगशाला में नौकरियां करते हैं और भी कई चीजें करते हैं। हर बार ये बताया जाता है कि बड़े संख्या में लोग यहाँ पर वीजा लेकर वैध तरीके से या अवैध तरीके से हजारों लोग यूरोप जाते हैं पाकिस्तान से। अब नॉर्वे की एक रिपोर्ट आती है, नॉर्वेजियन पुलिस सुरक्षा सेवा, यहाँ से हर 3 महीने में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और इस बार जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर दो, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया है। अब मामला क्या है तो आपको बता दें, अब्दुल कादिर खान, ये तो आपको याद होगा ही, ये वो शख्स है जिस शख्स ने पाकिस्तान में परमाणु बम बनाया, जिस परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान दुनिया भर को देता है। अब्दुल कादिर खान ने परमाणु टेक्नोलॉजी को चुराया और चुरा कर ये अपने देश में लेकर आया, और इसके बाद इसने दुनिया के कई देशों को कथित तौर पर बांट भी दिया है। नॉर्वे की जो रिपोर्ट है, नॉर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान खास तौर पर इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है कि हमारे देश से वो टेक्नोलॉजी को चुरा सके और हमारे यहाँ हथियारों से लेकर कई टेक्नोलॉजी, संवेदनशील टेक्नोलॉजी को चुराने के साथ साथ यहाँ पर हिंसा फैला सके। नॉर्वेजियन पुलिस का कहना है कि कई हजार लोग तो वैध तरीके से वीजा लेकर घुसते हैं और कई अवैध तरीके से अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते यूरोप में प्रवेश करते हैं। इनका कहना है कि ये दो तरीकों से हमारी संपत्तियों को चुराएंगे। पहला तरीका है कि ये हमारे बिजनेस, हमारे खोज और हमारी खोज करने वाली संस्थाओं में घुसने की कोशिश करेंगे। अब नॉर्वे का कहना है कि पाकिस्तानी एक तो हमारी संस्थाओं में घुस सकते हैं, समंदर से लेकर हथियारों तक की टेक्नोलॉजी को चुरा सकते हैं, और दूसरा हमारे ही देश में खतरा पैदा कर सकते हैं। नॉर्वे की इस रिपोर्ट को, वैसे नॉर्वे ने बड़ा जल्दी पहचाना, पर यूरोप में कम से कम ये देश अब पहचानने लगे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्वे ने ठीक पहचाना है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।